हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया एपीएन बताने वाला हूँ जिससे कि आपके इंटरनेट स्पीड को है जो कि जियो सिम के इंटरनेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने में मदद होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और चैनल पर नए आए हो तो जैसा कि आप लोग जानते हो नीचे एक रेड बटन है जिसको दबाते हैं और बगल में नोटिफिकेशन बेल भी आता है, उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जाके नीचे कर देना कि आपका इंटरनेट स्पीड जो है इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो वो जगह कमेंट करना, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लाऊं। पहले आपको अपने सेटिंग को ढूंढ लेना है अपने फ़ोन में। ठीक है, उस सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद अपना जो सिम कार्ड एंड सेलुलर का ऑप्शन या फिर सिम कार्ड मैनेजर, इस तरह का कुछ ऑप्शन आप लोगों के फ़ोन में होगा। सेकेंड नंबर पर ही होता है ये सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा मेरा यहाँ पर दिया हुआ है डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का, तो इस प्रकार से चूज करना है। उसके बाद आप लोगों को सिम वन और सिम टू का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें आपको जियो सिम अगर सिम वन में लगाए रखे हो तो उसको टिक टच करो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सेस पॉइंट नेम बोल के ऑप्शन, तो उसको क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, तो रिस्टोर जो कि नीचे आपको मिल जाएगा, ये मैं आकर एक बार रिस्टोर मार देना जिससे कि आपका फ़ोन में जितना भी डेटा है जो वो क्लियर हो जाएगा और आपका इंटरनेट स्पीड जो है इंक्रीज होने में मदद होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करना है या फिर नीचे भी आपको प्लस का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ पेज ओपन होता है, तो इस पेज को फिलअप कैसे करना है चलिए आज के वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आता है नेम, नेम में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जियो जो कि जे कैपिटल होगा और एक स्पेस देना है और स्पीड जियो एक स्पेस और स्पीड, उसके बाद एक स्पेस वी फोर और एक्स, एक्स जो कि है स्मॉल होगा और जे और एस और वी ये तीनों कैपिटल होगा। ध्यान से देखिए वरना आप इंटरनेट स्पीड नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसको कर देना है सेव। उसके बाद आ जाता है एपीएन, सो एपीएन एपीएन में आपको यहाँ पर लिखना है जियो जो कि जे कैपिटल होने वाला है इंटरनेट, इसी में सटा के लिखना है इंटरनेट जियो इंटरनेट, आई जो कि आई और जे कैपिटल होगा, ये ध्यान से देखिए। उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नोट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट ही रहने दें। सो उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोग को लिखना है स्पीड जो कि एस कैपिटल होगा और डॉट वी फोर एक्स जो कि सारा स्मॉल होगा, सिर्फ एस आगे का कैपिटल होगा। उसके बाद इसको भी कर देना है यहाँ पर सेव, इसको भी यहाँ पर सेव कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है पासकोड, पासकोड को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर आ जाता है सर्वर, सर्वर में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सिर्फ जियो, ठीक है, जो जो कि जे कैपिटल हो सॉरी स्मॉल होगा जियो। इसके बाद इसको भी सेव कर देना। उसके बाद आ जाता है एमएमएससी, एमएमएस प्रॉक्सी, एमएमएस पोर्ट, इसको आपको नॉट सेट ही रहने देना ये तीनों को। उसके बाद आ जाता है एमसीसी और एमएनसी, ये आपका एरिया कोड होता है, ये मैंने हर वीडियो में बताया है, तो इससे आप छेड़छाड़ ना कीजिएगा वरना आपका इंटरनेट स्पीड जो है और भी धीरे चलने लगेगा। उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन टाइप इसमें एक बार क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद सबसे नीचे वाले में पैप और चैप यहाँ पर कर देना है, ठीक है। करने के बाद आ जाता है एपीएन टाइप, इसको भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन प्रोटोकॉल, तो इसमें हो सकता है आपके फ़ोन में IPv4 या फिर IPv6 हो सकता है, तो सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है। उसी तरह आ जाता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में कर देना है। इतना करने के बाद आ जाता है बेयरर जो कि एपीएन का सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, इसे आप जरूर देख लीजिए बढ़िया से। तो इसमें अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी करके LTE, HSPAP और UMTS और GPRS, ये HSPAP नहीं करना, ठीक है, सिर्फ LTE, HSPAP और UMTS, GPRS, ये चार में सिर्फ करना है। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते सिर्फ LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिए। सो दोस्तों, अब जो है आपका है यहाँ पर पूरा हो चुका है। सो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ऊपर में सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव कर दीजिए या फिर आपका नीचे भी ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों, एक बार सिर्फ इस वाले एपीएन में टच कर दीजिए, आपका इंटरनेट स्पीड जो बेहतर हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट रहा होगा, नॉलेजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।